दोस्तों, वेलकम टू कोड विद दानियल चैनल। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस टर्म में है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे आज। तो दो टर्म्स यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में, एक को कहते हैं म्यूटेबल टाइप का ऑब्जेक्ट और दूसरे को कहते हैं इम्यूटेबल टाइप का ऑब्जेक्ट। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो इसी पे बेस्ड होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूटेबल टाइप का ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इम्यूटेबल टाइप का ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आगे आपको डेटा हैंडलिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, एवरी वेरिएबल इन पाइथन होल्ड्स एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये याद रखिएगा कि पाइथन में आप जो भी चीज बनाते हैं वो हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, और जो वेरिएबल होता है वो इंस्टेंस होता है उस ऑब्जेक्ट का। कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है ए इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो ये एक वेरिएबल बनाया आपने। अब ये जो ए है ये इस ऑब्जेक्ट का नाम है, ये एक इंस्टेंस है, दैट इज द टाइप ऑफ इंटीजर। और हमें पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका टाइप असाइन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन पाइथन। तो पाइथन में दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक होता है इम्यूटेबल टाइप का और दूसरा होता है इम्यूटेबल टाइप का। सिंस एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, एवरी वेरिएबल होल्ड्स एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इनिशिएटेड इट इज असाइंड अ यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी। कहने का क्या मतलब है कि हर एक चीज जब ऑब्जेक्ट है तो जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो इंस्टेंशिएट हो जाता है, वो क्रिएट होता है। तो जैसे वो क्रिएट होता है उसको एक आईडी दे दी जाती है। तो जैसे यहाँ पर देखिए कि रन टाइम पर जैसे ही ये क्रिएट होगा तो इस ए को एक आईडी दे दी जाएगी। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि आईडी कैसे गेट करते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट का, बाई यूजिंग आईडी फंक्शन। तो अगर मैं इसको रन करूं तो रन करते ही क्या होगा, रन करते ही इस वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो जाएगा और ए को एक आईडी मिल जाएगी। आईडी मींस एड्रेस कह सकते हैं। तो जैसे आप यहां पे देख सकते हैं इस ए की आईडी है। इसी तरीके से अगर आपको टाइप चेक करना हो तो टाइप भी आप चेक कर सकते हैं, और ये रन टाइम पर ही डिसाइड होता है कि व्हाट विल बी द टाइप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर अगर मैं इसका टाइप चेक करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं टाइप ऑफ ए। तो ये बता देगा कि ये टाइप किसका है, ये टाइप है इंटीजर का। और देखिए इंट से पहले क्या लिखा हुआ है, क्लास। तो क्लास से जो भी चीज बनाई जाती है वो ऑब्जेक्ट होती है। अभी फिलहाल ये समझिए, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पता है तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। जिनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं मालूम है अभी ये याद रखिए कि ये क्लास है। ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, इंट से। तो इसका मतलब हो गया ये एक इंट टाइप का ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की ये आईडी है जहां पर ये क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स टाइप इज डिफाइंड एट रन टाइम एंड वंस सेट कैन नेवर चेंज, however it state can be changed if it is mutable। तो immutable का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी एक वेरिएबल को बनाया तो रन टाइम पर ये डिसाइड होता है कि उसका टाइप क्या होगा। इसीलिए कहते हैं ना पाइथन को डायनेमिकली टाइप्ड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने a इज इक्वल टू 20 लिखा तो ये इंटीजर बन गया। इसी तरीके से अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया होता x इज इक्वल 2.3 तो रन टाइम पर डिसाइड होगा कि इस x का टाइप क्या होगा। ठीक है, तो अगर ये इम्यूटेबल है तो ये कभी चेंज नहीं होगा, और अगर ये म्यूटेबल है तो हम इसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं, इसका ये मतलब होता है। तो अभी और भी कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इसके फायदे क्या होते हैं। तो इम्यूटेबल टाइप के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, तो बिल्ट इन टाइप्स में अगर आप देखिए तो इंट, फ्लोट, बूल, स्ट्रिंग str, अभी आगे पढ़ाऊंगा, ट्रिपल आगे पढ़ाऊंगा, यूनिकोड आर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। In simple word, an immutable object cannot be changed after it is created. Object change नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो question ये है कि इसमें से object कौन सा है जो आपने सारे इतने सारे statement लिखे हैं। तो याद रखिएगा ये object है और ये इस object का नाम है। Okay? तो इसको हम कहते हैं reference by which you are identifying this object. तो A जो है इसका नाम है। तो ये 20 कभी change नहीं होगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर A की ID आपको दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिख देता हूँ, ये टाइप हटा दिया जाए, अब इसको जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया आईडी ऑफ ए बिफोर ऑपरेशन, मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ और चेक करते हैं कि क्या ए की आईडी चेंज हो रही है, ठीक है, या फिर उसमें ऑब्जेक्ट में चेंजेस हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो अगर ये देखा जाए कि ए इज इक्वल टू 20 है तो ये इस एड्रेस पे बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखूं कि ए की ही वैल्यू में क्या कीजिए, कोई एक वैल्यू एड कर दीजिए, तो अगर ये ऑब्जेक्ट जिस एड्रेस पे क्रिएट हुआ है उसी जगह चेंज हो जाए तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इम्यूटेबल नहीं है, यानी म्यूटेबल टाइप का। लेकिन अगर ऑपरेशन परफॉर्म करने पर एड्रेस चेंज हो रहा है तो इसका मतलब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा। तो एक काम करते हैं कि फिर से चेक कर लेते हैं कि ऑपरेशन के बाद
इसकी आईडी क्या है, क्या आईडी सेम मिल रही है? तो यहाँ पे लिख दिया आफ्टर ऑपरेशन, ठीक है। तो चेक करिए कि बिफोर ऑपरेशन यहाँ पे आईडी देखिए क्या है, जो लास्ट में है 8800, लेकिन जैसे ही आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये आईडी चेंज कर देता है, यानी अपनी एक नई आईडी बना देता है, एक नए एड्रेस पे इस वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो 21 इसकी वैल्यू है जो कि नए एड्रेस पे जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ था, इसमें चेंजेस नहीं हुए, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ 21 के नाम से, और उसमें वो ऑब्जेक्ट जो है ए को असाइन हो गया, ठीक है। तो ये मतलब होता है इम्यूटेबिलिटी का। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट अगर एक बार क्रिएट हो गए तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी एक नया ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है इम्यूटेबल टाइप के ऑब्जेक्ट पर, वो हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। ऐसे ही म्यूटेबल टाइप का ऑब्जेक्ट, जैसे आगे पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें हैं, लिस्ट है, डिक्शनरी है, सेट, बाइट, एरे आर द म्यूटेबल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। म्यूटेबल टाइप का क्या मतलब होता है, तो जैसे ये इम्यूटेबल मैंने यहाँ आपको दिखा दिया कि एग्जाम्पल से। अब जैसे मान लीजिए मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ, तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट है। अब इसमें क्या कीजिए, इसकी आईडी प्रिंट पहले करके चेक कर लीजिए। तो आईडी ऑफ लिस्ट बिफोर ऑपरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया आईडी ऑफ लिस्ट बिफोर ऑपरेशन, तो ये आपको बता देगा। अब चलिए एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लिस्ट में अगर कुछ ऐड करना हो तो एक मेथड होता है जो कि अपेंड कराया जाता है, तो अपेंड किया और इसमें 10 ऐड कर दिया, तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट में 10 को ऐड कर देगा, एक और आइटम ऐड कर देगा। आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा लिस्ट, बट अभी एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, एक इसको दोबारा प्रिंट करते हैं कि क्या ये भी अपने एड्रेस को चेंज कर रहा है। ओके, तो आफ्टर ऑपरेशन देख लेते हैं कि क्या मिलता है हमें। तो ये कुछ इस तरीके से, देखिए इंटीजर वाले केस में क्या था कि ये देखिए आईडी चेंज हो रही है, लेकिन लिस्ट वाले केस में देखिए आईडी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। इसका मतलब ये जहां पर क्रिएट हुआ है चेंजेस उसी के अंदर हो रहे हैं, एक नई जगह पे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है। तो म्यूटेबल का मतलब जो उसी में चेंज हो जाए, इम्यूटेबल का मतलब जिसमें चेंजेस ना हो। अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, ठीक है। इसको आगे और फर्दर डिटेल में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे, तो उसमें बार बार ये टर्म्स यूज करेंगे, लेकिन ये अलग से इसलिए बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाए, एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि म्यूटेबल क्या होता है और इम्यूटेबल क्या होता है। सो वन मोर टाइम, म्यूटेबल का मतलब द ऑब्जेक्ट इन विच इफ यू परफॉर्म एनी ऑपरेशन तो चेंजेस विल बी रिफ्लेक्ट इनटू दैट ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस होंगे। इम्यूटेबल का मतलब कि आप उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं कर सकते हैं, अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उस ऑब्जेक्ट पर तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, उस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अभी भी कुछ डाउट रह जाता है कि क्या इम्यूटेबल है और कौन सा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।